हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर मास्टर एड्रेड सेलेस मा का आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो मेरा है एमएस वर्ड के ऊपर। मैं अभी आपको एमएस वर्ड के कुछ आपको जानकारी दे रहा हूँ, जो हमको उसके ग्रुप के बारे में, कुछ टैब के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने एमएस वर्ड को ओपन करना है। तो चलिए सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। तो आप यहाँ से स्टार्ट बटन में जाके यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। मैंने यहाँ से आपको यहाँ पर डेस्कटॉप पे रखा हूँ, तो मैंने यहाँ से एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। चलिए मैंने एमएस वर्ड को देख रहे हैं कि मैंने एमएस वर्ड को ओपन कर लिया है। और मैंने आपको एक मैंने पिछले वीडियो डाला था होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में। तो आज मेरा जो मेरा टॉपिक है वो मेरा है फॉन्ट ग्रुप में। मैंने आपको बताया था कि होम टैब में 5 ग्रुप होते हैं। पहला हो गया क्लिपबोर्ड ग्रुप, दूसरा फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। तो आज मैंने आपको जो मेरे क्लिपबोर्ड ग्रुप है इसको मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है ये मेरा होम टैब के इस फॉन्ट ग्रुप के बारे में है, आप फॉन्ट ग्रुप का यूज कैसे करें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फॉन्ट ग्रुप का मतलब क्या होता है। ये देखिए, मतलब फॉन्ट ग्रुप से आप क्या करते हैं, जब इसमें आप कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं, देखिए एमएस वर्ड में कोई भी जब आप टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे हमारे मैंने इसमें कुछ टेक्स्ट टाइप करके दिखाई दिए हैं, इससे क्या इसको मतलब थोड़ा कला इसमें क्या थोड़ा मतलब इसको थोड़ा रंगीन बना सकते हैं, इसमें थोड़ा कलाकारी कर सकते हैं आप, टेक्स्ट को मतलब इसमें थोड़ा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कलाकारी करना। जैसे आज जैसे कुछ लड़के लड़कियाँ लोग अपने ऊपर फॉर्मेटिंग करते हैं, उसी तरह अपने टेक्स्ट में भी टेक्स्ट के ऊपर भी हम थोड़ा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे आज हम सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आपको बताते हैं फॉन्ट लिस्ट, फॉन्ट ग्रुप के बारे में। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यह जो मेरा फॉन्ट ग्रुप है इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, एक ऑप्शन देखिए, सबसे पहले इसमें जो ऑप्शन है एक, सबसे पहले आप क्या करिए, आप अपने इसमें टेक्स्ट लिख लीजिए कुछ। तो इसमें आपको टेक्स्ट लिखा के दिखाते हैं, इसमें मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप किया है, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें एक ऑप्शन देखिए यहाँ पर, जो ये वाला बॉक्स है इसको बोलेंगे फॉन्ट लिस्ट बॉक्स, इसको बोला जाता है। ये देखिए जो ये वाला है इसको बोलेंगे फॉन्ट लिस्ट बॉक्स। इससे क्या होता है कि अपने फॉन्ट का आप यहाँ पर आपको बहुत सारी लिस्ट सूची मिलेगी, आप यहाँ से हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं, अंग्रेजी टाइपिंग कर सकते हैं, आपको जिस स्टाइलिश में लिखना हो यहाँ से एमएस वर्ड के ऊपर आप लिख सकते हैं। तो आपको चलिए हम बताते हैं कैसे स्टाइलिश। देखिए सबसे पहले आपको क्या, अगर मान लीजिए आपने इसमें लिखा है आपको इसका स्टाइलिश चेंज करना है, तो सबसे आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करिए, इसके बाद यहां पर जाइए या इसके ट्रायंगल में क्लिक करिए। इसके बाद देखिए आपको यहां पर बहुत सारे आपको स्टाइल्स यहां पर देखिए दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले देखिए हम यहां पर देखिए मैंने इस स्टाइल में क्लिक किया, अब आप देख रहे होंगे कि जो मेरा टेक्स्ट है उसमें जो मैंने स्टाइलिश मैंने चूज़ किया था वो स्टाइल मेरे टेक्स्ट के ऊपर लग चुकी है। इस तरह आप कोई भी टेक्स्ट में स्टाइल लगा सकते हैं, और उसमें आप इसमें आप हिंदी भी टाइपिंग कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी लिखना है तो यहाँ पर ट्राइंगल में क्लिक करिए और थोड़ा स्क्रोल करिए और आपको थोड़ा नीचे आना है। आप देखिए यहाँ पर आपको हिंदी की बहुत सारी डिजाइनिंग मिली, आप यहाँ से हिंदी भी टाइप कर सकते हैं। तो हिंदी के लिए यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे क्रूज दे मिलेंगे। यहाँ पर देखिए अगर आपको सिंपल लिखना 010 में क्लिक करिए और यहाँ से आप देखिए हिंदी भी लिख सकती हैं, ठीक। तो पहला आपका फॉन्ट लिस्ट बॉक्स क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो मेरा ऑप्शन है उसका नाम है यहाँ पर देखिए, जो उसका नाम है फॉन्ट साइज, ये जो दूसरा ये वाला है इसको बोलेंगे फॉन्ट साइज। इससे क्या होता है कि अपने फॉन्ट की साइज को बड़ा कर सकते हैं। कैसे बड़ा कर सकते हैं, देखिए आपको देखिए इसको आप फॉन्ट भी बोल सकते हो, टेक्स्ट बोल सकते हो, डाटा भी बोल सकते हो। तो पहले सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको फॉन्ट लिस्ट बॉक्स फॉन्ट साइज में आपको देखिए यहाँ पर ट्रायंगल बना है, आपको ट्रायंगल में क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपको बहुत सारे सूची में यहाँ पर दिख रहे होगी नंबर के, बहुत सारे यहाँ पर लिस्ट दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 8 से आपको 72 तक मिल रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर हम इसमें देखिए 8 पर क्लिक करेंगे, आप देखिए मेरा जो फॉन्ट है कितना छोटा हो चुका है। अगर आपको बड़ा करना है तो यहाँ देखिए मैंने 36 में क्लिक किया, आप देखिए डाटा कितना बड़ा हो चुका है। मतलब यहाँ से अपने डाटा को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, अपने डाटा को फॉन्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं फॉन्ट साइज से। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो नेक्स्ट मेरे यहाँ से थोड़ा फॉन्ट साइज को छोटा कर लेते हैं। चले मैंने किया 18 किया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो मेरे टॉप, अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दो ए बने हैं, एक का नाम है ग्रो फॉन्ट, एक का नाम है श्रिंक फॉन्ट। इसको ग्रो फॉन्ट होते हैं श्रिंक फॉन्ट। देखिए जब आप इसको पॉइंटर को इसमें ले जाएंगे, ले जाने के बाद देखिए उसका जो नेम है वो आपको शो करेगा। कैसे,
सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें ले जाना है। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर उसका नेम शो कर रहा है। अगर इस वाले में क्लिक करेंगे तो उसका भी देखिए नेम बता रहे श्रिंक फॉन्ट। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ ग्रो फॉन्ट से क्या होता है कि मतलब ग्रो फॉन्ट से आप स्टेप बाय स्टेप टेक्स्ट की साइज को बड़ा कर सकते हैं और श्रिंक फॉन्ट से स्टेप बाय स्टेप टेक्स्ट को छोटा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का। जब तक आप टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो उसमें आप कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं इसको सिलेक्ट किया। इसके बाद देखिए मैंने ग्रो फॉन्ट में देखिए मैंने इसमें क्लिक कर रहे हैं। अब देख रहे हैं आपको जो डाटा है देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप आपका बड़ा होता जा रहा है। आप जितना चाहे इसको यहाँ से ग्रो फॉन्ट से बड़ा कर सकते हैं और श्रिंक फॉन्ट से इसको स्टेप बाय स्टेप जितनी बार इसमें क्लिक करेंगे आप छोटा कर सकते हैं। तो ग्रो फॉन्ट श्रिंक फॉन्ट आपका क्लियर हो गया ना। इसके बाद नेक्स्ट इसी के देखिए आगे इसमें एक और ऑप्शन देखिए कि इसका नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग। इससे क्या होगा अब देखिए क्लियर का मतलब होता है साफ, साफ करना। किसको साफ करना है फॉर्मेटिंग को, मतलब इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर जो हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे उसको हम क्लियर कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग करना तो कैसे, तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए। इसके बाद जाके इसमें देखिए जो ऑप्शन क्लियर फॉर्मेटिंग इसमें क्लिक कर दीजिए। अब देखिए आपने जितने भी अपने टेक्स्ट के ऊपर आपने फॉर्मेटिंग किए थे वो सब क्लियर हो जाते हैं, वो सब के हट जाते हैं, एकदम क्लियर साफ हो जाती है और आपका नॉर्मल टेक्स्ट बस रह जाता है। ठीक है, इस तरह इस ऑप्शन से आप जितनी भी फॉर्मेटिंग करेंगे उसको क्लियर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। ठीक, इसको थोड़ा रुकिएगा। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं इसी में फॉन्ट ग्रुप में। अब देखिए यहाँ पर एक आपको बी यहाँ पर बना होगा, इसका नाम है बोल्ड। इसको आपको बोल्ड बोला जाता है, इसका मतलब होता है बोल्ड का मतलब होता है गाढ़ा है मोटा करना। किसको गाढ़ा मोटा करना, अपने टेक्स्ट को, जो आपका टेक्स्ट है इसको थोड़ा हम क्या इसको थोड़ा मोटा कर सकते हैं, गाढ़ा कर सकते हैं, जो आपको लिखा है जो टेक्स्ट कैसे। तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए और हम चलिए थोड़ा ग्रो फॉन्ट कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ठीक, अब देखिए मैंने इतना टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने बी जो बोल्ड है मैंने इसमें क्लिक किया। अब आप देख रहे होंगे आपको जो डाटा है थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, थोड़ा मोटा हो चुका है। इस तरह अपने टेक्स्ट को थोड़ा गाढ़ा कर सकते हैं बोल्ड से। अब आप देख रहे हैं जो आपका ये वाला जो टेक्स्ट है और इस वाले टेक्स्ट में थोड़ा देखिए अंतर है। अगर आपको इसको बंद करना है, हटाना जो आपने किया है, तो इसको सेलेक्ट करिए जितने में आपने बोल्ड किया है और यहाँ से बोल्ड में फिर से क्लिक कर दीजिए, आपने जो बोल्ड किया वो हट जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट इसी के आगे देखिए नेक्स्ट इसमें जो ऑप्शन है ये वाला, इसको बोलेंगे अटैलिक। अटैलिक का मतलब होता है तिरछा करना, मतलब अपने टेक्स्ट को तिरछा करना। कैसे तिरछा करना, आप देखिए जो आपका टेक्स्ट लिखा है इसको आप थोड़ा तिरछा कर सकते हैं। तो कैसे तिरछा करेंगे, तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरह अपने डाटा को सेलेक्ट करिए, आप जो आपको जहां तक तिरछा करना तो सेलेक्ट करिए, उसके बाद जाके अटैलिक में क्लिक कर दीजिए। अब देखिए आपको थोड़ा मतलब इसमें थोड़ा आपको चेंजेस दिख रहा होगा कि आपको जो डाटा है थोड़ा वो तिरछा हो चुका है। इस तरह अपने डाटा को हम थोड़ा तिरछा कर सकते हैं अटैलिक के माध्यम से। अगर आपको नहीं करना है तो फिर से सेलेक्ट करिए और इसको बंद कर दीजिए। बस एक बार क्लिक कर दिया, देखिए इसमें बंद चालू आप इस तरह कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर लिख बना है इसको, इसका नाम है अंडरलाइन। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए इसको बोलेंगे अंडरलाइन, टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाना। कैसे लाइन लगाना, देखिए आपको जो टेक्स्ट है इसके नीचे आप लाइन लगा सकते हैं। कैसे, यहाँ पर जब देखिए ट्रायंगल में जाएंगे आपको देखिए यहाँ पर बहुत सारी लाइनें मिलेंगी, आप इन लाइनों का अंडरलाइन लगा सकते हैं क्या टेक्स्ट के नीचे। तो कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने देखिए सेलेक्ट किया और जाइए अंडरलाइन यहाँ पर ट्रायंगल में क्लिक करिए। ट्रायंगल का मतलब होता है इसके अंदर अभी और ऑप्शन है। तो चलिए देखिए यहाँ पर आपको लाइनों की बहुत सारी स्टाइल्स बहुत प्रकार मिलेंगे, बहुत सारे यहाँ पर आपको टाइप होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं एक लाइन को चूज़, चलिए मैंने यहाँ से इस लाइन को मैंने चूज़ किया। इसके बाद जो कि लाइन है अगर इसको कलर में लगाना चाहते हो तो इसी के नीचे आई देखिए यहाँ पर क्या लिखा है अंडरलाइन कलर। आप कलर्स के माध्यम से कलर लाइन को कलर भी कर सकते। चलिए मैंने किया वो यहाँ से वाइट, देखिए मैंने पीला किया। अब देखिए आपकी जो लाइन अंडरलाइन आपने लगाया है आपके कलर के साथ वो लग चुकी है। इस तरह आप टेक्स्ट के नीचे लाइन मतलब अंडरलाइन लगा सकते हैं कलर के साथ। ठीक, अब नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। इसी में जो मेरा नेक्स्ट अब ऑप्शन है, अब इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है, इसे मान लीजिए कोई कॉपी जांच रहा है और मान लीजिए कोई कॉपी जांच रहा है, जैसे किसी ने यहाँ पर कुछ लिखा है और उस कॉपी जांच रहा है तो कहीं पर कोई शब्द गलत हो जाता है, तो उससे क्या करता है कि वो टेक्स्ट को बीच एक लाइन के द्वारा बीच से काट देता है। तो कैसे काटेगा, चलिए जैसे मान लीजिए मेरा इतना जो टेक्स्ट है एक गलत है, तो मैंने सबसे पहले आपको इतना सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद जाके स्ट्राइक थ्रो में क्लिक कर दीजिए। अब देखिए आपको जो डाटा है एक लाइन के द्वारा बीच से काट दिया गया है। इस तरह आप अपने डाटा को एक लाइन के द्वारा बीच से काट सकते हैं। आपको जहाँ जहाँ आपको गलती नजर आए तो डाटा को सेलेक्ट करिए और जाके स्ट्राइक थ्रो में क्लिक कर दीजिए। अब देखिए आपके एक लाइन के द्वारा डाटा के बीच से काट दिया गया है। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो वर्ड है कहाँ पर गलत था कहाँ पर गलत नहीं था।
अगर आपको इसको हटाना है तो जितने में आपने वो किया है तो उसको सेलेक्ट करिए, उसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पर जाके इसमें क्लिक कर दीजिए, बंद हो जाएगा। देखिए मैं इसमें क्लिक किया, अब देखिए आपका बंद हो चुका है। अगर आपको हटाना है तो इसको सेलेक्ट करिए, फिर से इसमें क्लिक कर दीजिए, आपका हट गया है। इस तरह भी स्ट्राइक थ्रो का यूज कर सकती हैं। अब देखिए जो मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है इसको बोलेंगे सब स्क्रिप्ट। यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर दो भाग, एक होता है सब स्क्रिप्ट, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। तो सब और सुपर स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि इसमें जब कोई भी फार्मूला, कोई गलती या काम इसमें कर रहे हैं अपने एमएस वर्ड के अंदर, कोई फार्मूला, कोई फार्मूला लिखना हो, तब हम सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करेंगे तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पर। तो कैसे, जैसे मान लीजिए, चलिए इसको थोड़ा ग्रो फॉन्ट कर देते हैं। चलिए इसे मान लीजिए मैं इसमें इसमें लिखा ए टू प्लस बी टू इक्वल ए टू बी टू। अब देखिए जो मैंने इसमें लिखा है, जो मेरा टेक्स्ट है, तो इसको बड़ा कर देते हैं। अब देखिए जो मेरा डाटा है, देखिए अगर आपको इसको जो ए टू, देखिए जैसे मान लीजिए अगर आपको टू को थोड़ा ए के नीचे लाना, जैसे नहीं आप लिखते हो O2 का सूत्र हो, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2 होता है, इस तरह अगर आपको सूत्र फार्मूला लिखना हो तब आप इसको कैसे करेंगे। आप जैसे मान लीजिए लिखा, मैंने लिखा देखिए O और टू लिखा इस तरह, लेकिन इस तरह थोड़ी रहता है, फार्मूला नहीं रहता है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको टू को सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसके बाद जाके सब स्क्रिप्ट में क्लिक कर दीजिए और आपको जो टू है O के थोड़ा नीचे आ जाएगा। इस तरह हम कोई भी फार्मूला वगैरह इसमें अपने एम एस वर्ड के अंदर इंसर्ट लिख सकते हैं। अगर आपको इसको बनाना है तो इसको टू को सेलेक्ट करिए और जाके सब इसमें क्लिक कर दीजिए। इस तरह आपको क्या, सिर्फ टू को बस आपको टू को सेलेक्ट करना है, इस तरह बस आपको क्लिक कर देना है, इसमें बस आपको क्लिक कर देना सब में और ऑटोमेटिक आपको वो चेंज हो जाएगा आपका क्या इस तरह। अब देखिए, अब आपको देखिए ए टू बी टू बराबर ए टू बी टू, इस तरह आप कोई भी फार्मूला वगैरह अपने एम एस वर्ड के अंदर इंसर्ट कर सकती हैं। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन देखिए इसका नाम है सुपर स्क्रिप्ट। मैंने अभी बताया ना सुपर, सबसे क्या होगा आपका डाटा नीचे जाएगा और सुपर से क्या ऊपर जाएगा। जैसे आपको लिखना है ए स्क्वायर बी उसका लिखना है, तब उसकी हम क्या अपने डाटा को थोड़ा ऊपर ले जा सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने डाटा को जो आपका टू है जिसको ले जाए तो उसको सेलेक्ट करिए। चलिए मैंने टू को सेलेक्ट किया और जाके मैंने सुपर स्क्रिप्ट, देखिए मैंने जो इसमें पॉइंटर को ले गया उसका नाम शो कर रहा है, तो मैंने देखिए मैंने इसमें क्लिक किया। अब देखिए जो आपका डाटा है आपके, देखिए थोड़ा ए के ऊपर, थोड़ा ए के थोड़ा ऊपर, मतलब ऊपर मतलब ए स्क्वायर बन गया है, मतलब स्क्वायर के रूप में हम उसको बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो दो है वो स्क्वायर के रूप में बन चुका है। इस तरह क्या हम इस तरह हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। अगर आप इसको भी सेलेक्ट करिए, सुपर भी क्लिक कर दीजिए, इसको भी सेलेक्ट करिए, सुपर में क्लिक कर दीजिए, इसको भी सेलेक्ट करिए और जाके सुपर में आप देखिए, अब आपको देखिए स्क्वायर बी उसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस तरह हम इसको बना सकते हैं, अपने कोई भी फार्मूला वगैरह इसमें हम इंसर्ट लिख सकते हैं। अब देखिए जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चेंज केस। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो बना इसको बोलते हैं चेंज केस। चेंज केस, केस का मतलब होता है कि जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसका आप केस चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कैपिटल में लिखना है, आपको स्मॉल में लिखना है, आपको कैपिटल में लिखना है, तब वहाँ से हम आपको अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। तो कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले आपको इसमें कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो चलिए सबसे पहले इसमें कोई कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, मैंने इसमें कुछ टेक्स्ट टाइप किया, ठीक ना। और इसको ग्रो फॉन्ट कर लेते हैं, मैंने आपको बताया था ना ऐसे ग्रो फॉन्ट से बड़ा होगा, मैंने थोड़ा बड़ा किया और इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए जब यहाँ पर हम उसको चेंजेस करें, ठीक। अब चलते हम देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर इसका चेंज केस बोलते हैं। जब इसमें ट्राइंगल देखिए ट्राइंगल में क्लिक करेंगे आप, देखिए यहाँ पर आपको पाँच ऑप्शन मिलेंगे। पहला देखिए इसमें लिखा है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज्ड वर्ड, टोगल केस। अब देखिए जो सेंटेंस केस क्या होगा, देखिए मैंने देखिए अब सेंटेंस मैंने, अब देखिए जो आपका डाटा है मतलब जो आपका टेक्स्ट है अभी अभी आपका सेंटेंस केस में है। सेंटेंस केस का मतलब होता है कि जो आपका वर्ड का पहला अक्षर क्या कैपिटल में होगा और बाकी ये सभी स्मॉल में रहेंगे, मतलब वर्ड का मतलब पैराग्राफ का पहला वर्ड क्या स्मॉल में रहेगा और बाकी क्या बाकी स्मॉल में रहेंगे। अब देखिए इसी में नेक्स्ट जो ऑप्शन है, पहले इसको मैं सेलेक्ट किया, अब इसी में चेंज केस में क्या लिखा है लोअर केस। लोअर केस से क्या होगा कि आपके जितना भी टेक्स्ट होगा एम एस वर्ड के अंदर आपने जितने भी लिखे होंगे सभी क्या स्मॉल में हो जाएंगे। अब आपको दिख रहा होगा देखिए यहाँ पर लोअर केस मैंने क्लिक किया, अब देखिए आपके कोई भी डाटा कोई भी क्या कैपिटल में नहीं रहेगा, सभी स्मॉल में रहेंगे। अगर आपको कैपिटल में करना है तो सेलेक्ट करिए और यहाँ से जाइए, इसको देखिए लिखा ना अपर केस, इसमें क्लिक कर दीजिए, आपका पूरा डाटा क्या कैपिटल में हो जाएगा। देखो आप दिख रहा होगा जो आपका डाटा कैपिटल में हो चुका है। अगर आपको देखिए कुछ और यहाँ पर ऑप्शन है और आपको दिखा देते हैं, अब देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन देखिए इसमें लिखा है कैपिटलाइज्ड वर्ड। इससे क्या होगा
इससे आपके हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल में हो जाएगा, बाकी स्मॉल मतलब हर वर्ड का पहला अक्षर। तो हमको दिखा देते हैं कैसे, चलिए मैं इसमें क्लिक किया। अब देखिए हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल में हो जाएगा और जो बाकी है स्मॉल में हो जाएगा। इस तरह आप इसको थोड़ा कैश को चेंज कर सकते हैं। एक और ऑप्शन देखिए इसमें है टूगल केस, इससे क्या होगा कि आपका हर वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल हो जाएगा और बाकी कैपिटल हो जाएंगे। तो आप अपने कंप्यूटर में यूज कर लीजिएगा, अभी हम इसको नहीं बता रहे नहीं तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बस हम आगे वाले ऑप्शन में चलते हैं। आप उसको कर लीजिएगा अपने से, पांचों का यूज कर लीजिएगा, सेंटेंस लोअर अपर केस कैपिटलाइज कर लीजिएगा टूगल। ठीक, अब नेक्स्ट में देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन मेरा है ये वाला देखिए, इसको बोलेंगे टेक्स्ट हाईलाइट कलर, टेक्स्ट को हाईलाइट करना। जैसे कोई मतलब कलर होता है हाईलाइट करना, जैसे मतलब लाइट की तरह है, प्रकाश की तरह टेक्स्ट में चारों तरफ से फैल जाना। तो कैसे फैलना, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको जिस टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो उस टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैंने टेक्स्ट को किया सेलेक्ट और जाके देखिए यहाँ पर मैंने इस ऑप्शन में मैंने ट्राइंगल बना, देखिए आपको ट्राइंगल मैंने क्लिक किया। अब देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारे देखिए आपको कलर शो कर रहे हैं, आपको जिस कलर से हाईलाइट अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है उस कलर से कर सकते हैं। चलिए मैंने इसमें देखिए मैंने इसमें येलो मैंने क्लिक किया। अब देखिए जो आपका टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो चुका है, जिस आपको जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया। आपने अखबार या मैगजीन में आपने देखा होगा कि इस तरह आपको बहुत सारे हाईलाइटेड आपको जो वर्ड लिखे रहते हैं जो, तो इस तरह आपको हाईलाइट मिलेंगे बहुत सारे अखबार मैगजीन मिलेंगे। तो इस तरह मैंने देखिए सेलेक्ट किया और जाके मैंने यहाँ से ट्राइंगल में और मैंने देखो इसको रेड कर दिया। इस तरह आप टेक्स्ट को हाईलाइट मतलब थोड़ा डिजाइन बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको यही फॉर्मेटिंग आपने जो अपने हाईलाइट किया इसको हटाना है तो आपने जितने में हाईलाइट किया उसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद यहीं पर जाइए ट्रायंगल में और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है नो कलर, इसमें क्लिक कर दीजिए आपकी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। चलिए मैंने फिर सेलेक्ट किया इसको और जाके यहीं पर ट्रायंगल में क्लिक करिए और कर दीजिए नो कलर, आपकी फॉर्मेटिंग हट गई। इस तरह हम अपने टेक्स्ट में टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं तथा हटा भी सकते हैं। अभी मैंने क्या किया टेक्स्ट को हाईलाइट किया, अगर आपको जो टेक्स्ट लिखा है इसको सिर्फ अपने टेक्स्ट को कलर करना है तब आप क्या करोगे, उसी के आगे देखिए यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है इसको बोलते हैं फॉन्ट कलर, इससे क्या होगा अपने जो फॉन्ट है उसको कलर कर सकते हो। तो कैसे कलर करेंगे आपको फॉन्ट को, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेक्स्ट को अपने टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे, चलिए देखिए मैंने टेक्स्ट को किया सेलेक्ट किया, इसके बाद जाके यहाँ पर देखिए जो फॉन्ट कलर है इसके इसी ट्रायंगल में क्लिक करिए। अब देखिए आप आपको बहुत सारे कलर शो करेंगे, आप यहाँ से आपको जिस कलर को आपको लगाना है उस कलर को आप लगा सकते हो। तो चलिए देखिए यहाँ पर आपको नीचे भी यहाँ पर बहुत सारे कलर जैसे जैसे मान लीजिए मैंने रेड में क्लिक किया। अब देखिए आपको जो डाटा है रेड में हो चुका है। इस तरह अपने हम जो फॉन्ट है उसको हम कलर में कर सकते हैं, थोड़ा बेहतरीन डिजाइन में बना सकते हैं। ठीक, अगर आपको और करना देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, आपको दूसरे कलर में करना है तो यहाँ ट्रायंगल में जाइए और यहाँ से देखिए दूसरे कलर में कर दीजिए। चलिए मैंने किया इसमें वाला कलर किया। इस तरह अपने डाटा को हम कलर कर सकते हैं, थोड़ा बेहतरीन बनाने के लिए कलर भी कर सकते हैं। थोड़ा आपको एक और बता देते हैं, देखिए इसी के आप नीचे एक जो ऑप्शन है यहाँ पर एक ऑप्शन और जो ऑप्शन है देखिए यहाँ पर, इससे क्या होता है देखिए यहाँ पर जो तीर बनाए तीर में जब क्लिक करेंगे, देखिए तीर में क्लिक करने के बाद जो आपका फॉन्ट ग्रुप है इसका आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आपको सभी ऑप्शन वहाँ पर मिलेंगे। कहाँ देखिए आपको यहाँ पर देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, जो मैंने आपको सेम ऑप्शन ये वाले बताए हैं ये ऑप्शन सेम आपको यहाँ मिलेंगे। आप यहाँ से भी आप इसको मतलब थोड़ा बेहतरीन तरीके से आप यहाँ से भी उसको टेक्स्ट को थोड़ा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से भी देखिए कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको क्या सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप इस तरह टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए उसके बाद इसके ट्रायंगल में यहाँ पर क्लिक करिए और जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है देखिए फॉन्ट स्टाइल जो स्टाइल जैसे मैंने इसे बोल्ड किया, यहाँ से कितनी साइज करना चाहते हो मैंने 48 किया और यहाँ से मैंने देखिए कलर जो कलर देना चाहिए मैंने कलर इसको येलो दिया और यहाँ से मैंने इसको साइज और यहाँ से मैं इसको शेडिंग आउटलाइन यहाँ से आप जो देखिए स्ट्राइक थ्रो करना चाहिए स्ट्राइक थ्रो में क्लिक करिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब देखिए जो मैंने अभी जो टेस्ट लिखा था उसमें देखिए फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। इस तरह अपने डायलॉग बॉक्स के अंदर से भी हम कर सकते हैं। तो होप सो मैं आशा करता हूँ आपको इसमें वीडियो समझ में आया होगा। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू माय फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा।